घर एक जन्नत। बेटा आपके मामा का आप लोग बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। शुक्रिया। क्या हुआ मामा, आप अंदर क्यों चली आई? बस बेटा पता नहीं अचानक चक्कर सा आया पर वहां रुका नहीं गया। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम जाओ उनके पास जाके बैठो, हम मेरी तरफ से माजत कर लेंगे। लेकिन मम्मा वो लोग क्या सोचेंगे? बेटा मैंने कहा ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम जाओ। ठीक है आप बैठे। माम की मामा को हमें खुद रिसीव करने आना चाहिए था। मैंने उन्हें देखा तो था सरमत, कि ना जाने वो क्यों अंदर चली गई। I'm sorry, मामा की तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो नहीं आ रही है। आई थिंक उनका ब्लड प्रेशर लो रहा है। सरमत आप बैठे, मैं देखकर आती हूँ। अंकल मैं आपके लिए चाय वगैरह लगवाती हूँ। मामा तो सुबह से अरेंजमेंट्स करवा रही थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक उन्हें। कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू। चलिए
ये सबा है माहम की मामा, इनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया है, दवा तो ले ली इन्होंने, मैंने कह दिया कि आप रेस्ट कर लें, हम फिर कभी आ जाएंगे। चले सलमा। अच्छा मैं माहम को खुदा हाफिज कह के आती हूँ। आप तो बहुत तारीफ करती थी ना उन दोनों माँ बेटी की, अब देख लिया आपने? मैं तो खुद हैरान हूँ कि सबा ने ऐसा क्यों किया, घर आए मेहमानों से भला कोई इस तरह किया जाता है? सरमत तो बेचारा जब से आया है कमरे में ही बैठ गया है, इन माँ बेटी ने बड़ी इंसल्ट की है उसकी। मेरी तो समझ से बाहर है, लगता है सबा ने कोई बात माइंड कर ली है। माइंड करती तो घर दावत पे क्यों बुलाती, वो जानती थी ये लोग शादी की तारीख रखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी मैं सबा से खुद मिली थी, वाकई उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसी भी क्या तबीयत खराब जरीन, उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी का ससुर पहली बार घर आया। कम से कम मिल तो लेती। मुझे तो लगता है इन लोगों का इरादा ही बदल गया है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें क्यों बुलाते? अम्मी जरीन खुद भी परेशान है लेकिन हमारे सामने ये जाहिर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सबा ने इनकार कर दिया तो सरमत क्या सोचेगा कि माँ ने किन लोगों में रिश्ता करने का मशवरा दे दिया। अम्मी आप खुद को इल्जाम मत दें, माहम की माँ यहाँ से जाने तक बहुत खुश थी, जो कुछ भी हुआ है यहाँ से जाने के बाद हुआ है। बस भाई अल्लाह सब खैर करे। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। आप सबा आंटी वैसे परेशान है ना? बेटा सब यही कह रहे हैं कि वो जान कर हमसे मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या पापा को भी ऐसे ही लग रहा है? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन खामोश है, लगता उन्हें भी नागवार गुजर है। सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं। कल रात को ही हमारी माँ से बात हुई है, वो तो बहुत प्यार से बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल, बल्कि हम दोनों तो उसे तंग भी कर रहे थे। और अगर ऐसी कोई बात होती कि उनका इरादा बदल गया तो हमें माम की बातों से अंदाजा जरूर हो जाता। बेटा मैं तो खुद किसी ऐसे वहम में मुब्तला नहीं होना चाहती, लेकिन डरती हूँ कि सरमत वहाँ दोबारा जाने से इनकार ही ना करते। मानिए अगर आप कहें मैं और हानी माम से बात करें। नहीं बेटा इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई डाउट नहीं उनकी रवैयों पर, बल्कि जब मैं अंदर गई थी सभा से मिलने तो वो बहुत प्यार से मिली थी मुझसे, बल्कि उन्होंने माजरत भी की थी। तो आप पापा की वजह से टेंस है कि उन्हें बुरा लगा? बुरा तो यकीनन लगा है उन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि सरमत माहम के लिए रिफ्यूज कर दे। अगर मामू ने ऐसा किया तो हम सर मामू को एग्री कर लेंगे। क्यों वाले, उन्हें एग्री करना इतना आसान काम नहीं है सारा। तुम लोग ऐसा करो कि सभा की खैरियत पूछने के लिए माहम को फोन करो, उसे अच्छा लगेगा। ओके। मैंने आपसे कहा भी था कि आप डॉक्टर के पास चली जाती। मैं अब ठीक हूं बेटा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था मामा, इस तरह तो पहले आपकी कभी तबीयत खराब नहीं हुई। बस बेटा अचानक हो गई ना, हर बात पे इंसान का इख्तियार तो नहीं होता।
मामा वलीद के पापा बहुत अच्छे हैं। माहम बेटा एक बात पूछूं तुमसे? जी मामा। बेटा मुझे लगता है कि शायद वलीद तुम्हारे लिए। मामा एक मिनट, हानी का फोन। हेलो। मामा ने बताया आंटी के बारे में, कैसी हैं अब वो? अब मामा बिल्कुल ठीक है, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आंटी और अंकल ने फील तो नहीं किया ना? नहीं नहीं इट्स ओके। आंटी को बता देना कि मामा अब बिल्कुल ठीक है, वो उनके लिए परेशान ना हो। सरमत ये फिर किस मुकाम पर सामने आ गए? तो एक बार फिर जिंदगी के सब गर्व जगा दिए तुमने। सरमत, हानी ने माहम को फोन किया था, बता रही थी सबा की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा? नहीं आपने पूछा तो नहीं, लेकिन हम जब से वापस आए परेशान लग रहे हैं। मैं क्यों परेशान होने लगा सबा के लिए? मैं ये नहीं कह रही थी, शायद आपको बुरा लगा हो, सबा ने हमें बुलाया लेकिन हमसे मिल ना पाई इसलिए। मुझे क्यों बुरा लगने लगा? हो सकता है किसी वजह से वो ना मिल सकती हो, इट्स ओके। तो फिर किस बात पर गुस्सा आया आपको? इंसान को और भी बहुत सोचें होती हैं। ऑफिस का कोई मसला है? अगर मसला होगा तो तुम ठीक करोगी? डिस्कस करने से मसले का हल निकलता है सरमा। ये तो तुम जानती नहीं क्या आखिर मसला क्या है? और चलिए वो हल निकाल। I'm sorry, अगर मेरे से कोई कोताही हुई है। अच्छा बस बस, एक बात हमेशा याद रखना जरी, जब मैं अकेला रहना चाहूं तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। दरवाजा खोलो सबा। चले जाओ सर। मैं प्लीज सबा प्लीज, मेरा तमाशा मत बनाओ, खुदा के लिए चले जाओ। सबा
मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यहीं तो आना चाहिए था। इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। जब भी सोचा बस यही दुआ दी कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। तंस कर रही। अब ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दरमियान। हमारे दरमियान जो ताल्लुक है क्या वो खत्म हो सकता है? माँ हम आ गए तो मुझे आपकी मौजूदगी यहाँ अच्छी नहीं लगेगी, प्लीज आप चले जाएं। मुझे बात तो करने दो। अगर बात का ताल्लुक वलीद से है तो वो जरीन के सामने होगी। मैं अपने बारे में बात करना चाहूँ। नहीं सरमद, अब आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपने बारे में कोई भी बात मुझसे करें। मुझे घर से निकाल रही हूँ। आपने भी तो निकाला था मुझे अपनी जिंदगी से। मैं मजबूर था सर। Just leave sir। सब लोग यही समझ रहे थे कि कहीं तुम लोगों का इरादा तो नहीं बदल गया, लेकिन सिर्फ ताई जी जानती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स, मामा कहती है कि जब एक बार जबान दे दी तो दे दी, फिर इरादा क्यों बदलेगा भला हम? लेकिन मैंने एक शरारत सोची है वलीद को सताने के लिए। बता दूं? शाओ। लेकिन तुम शरारत का किसी से जिक्र नहीं करोगी, प्रॉमिस? ओके। शरारत यह है कि मैं वलीद से कहूंगा कि तुमने शादी करने से इनकार कर दिया, और तुम्हारी सोच है कि जब उसको पता चलेगा कि माहम ने शादी करने से इनकार किया तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। फमार, क्या मिलेगा तुम्हें उन्हें तंग करके? रहम खा उन पर। बात तो ठीक है माहम, लेकिन तुम खुद सोचो, इतने संजीदा इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारना आसान थोड़ी है। अब तुम खुद बताओ, इतने दिनों में इसने तुम्हें अभी तक कोई रोमांटिक कॉल की? नहीं, कॉल तो नहीं की। हाँ, लेकिन मैसेज आ जाता है कभी कभार। वाओ, मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा सुनो माहम, लंच के लिए आ रही हो ना? ओके, मैं भी निकल रहा हूँ। सी यू देयर, बाय। ओके, बाय।
उसको पता चलेगा कि माहम ने शादी करने से इनकार किया तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी। बात तो ठीक है माहम, लेकिन तुम खुद सोचो, इतने संजीदा इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारना आसान थोड़ी है। अब तुम खुद बताओ, इतने दिनों में इसने तुम्हें अभी तक कोई रोमांटिक कॉल की? क्या हाल है? फाइन, आप ठीक हैं? बुरा तो नहीं लगा मेरा इस तरह कॉल करना? नहीं बिल्कुल नहीं, आप जब चाहे कॉल कर सकते हैं। एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। तुम अमार को पहले से जानती हो? नहीं तो, बस आपके घर में ही मुलाकात हुई थी। और उसके बाद? नहीं तो, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं वैसे ही। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बस नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेकर दिल ही दिल में परेशान हैं, मगर मुझसे शेयर नहीं कर रही। हो सकता है कि वो बात ऐसी हो जो तुम्हें अच्छी ना लगे। प्लीज, अगर वो बात बता देने से आपकी परेशानी कुछ कम हो सकती है तो प्लीज बताइए। बेटा मैं फिर से वलीद के बारे में सोचने लगी हूँ। आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बेटा उस घर में इतने लोग हैं और तुम्हें लोगों में रहने की आदत नहीं है। आर यू श्योर कि यही बात है? हाँ, दिल नहीं मान रहा। वलीद के लिए भी आपने ही फैसला किया था और उसे मैंने एक्सेप्ट किया था। अब भी अगर आप कोई फैसला लेंगी तो वो मुझे कबूल होगा। फिर भी बेटा तुम सोच लो, हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए डेवलप हो गई हो, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मामा, अगर आपको लगता है कि आपको वहां रिफ्यूज कर देना चाहिए तो आप कर दीजिए, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो सब लोग बहुत अच्छे और प्यार करने वाले हैं, उन्हें इनकार करने की कोई सॉलिड रीजन बताइएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वलीद की रिसेप्शन के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करा लेना चाहिए, क्योंकि शादियों का सीजन है, फिर अच्छा हॉल मिलेगा नहीं। लेकिन सरमत अभी तो डेट फिक्स नहीं हुई। मैं तो भूल ही गया था, आज ही कॉल करके सब से फाइनल कर लो। लेकिन ऐसी बातें फोन पर नहीं करते। हाँ मैं सबा को फोन करके ये बता देती हूँ कि हम आना चाह रहे हैं। नहीं नहीं मैं खुद ही बात कर लूंगा। आप
मेरा मतलब ये था कि बार बार फागुन जाना अच्छा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, चलें जो आप मुनासिब समझे। हद हो गई भाई, कोई वजह तो बताई होगी आखिर। तुमने तो बड़ी तसल्ली कराई थी कि अच्छे लोग हैं, जबान के पक्के हैं, ये अच्छाई थी उनकी। अरे ना तो ना सही, हमारे वलीद को कोई रिश्तों की कमी है क्या? खुदा हाफिज। हो गया इनकार? क्या हो गया अम्मी? मैंने पहले ही कहा था, माहम की माँ का बीमार होना महज ड्रामा था, उन लोगों का इरादा ही बदल गया था, उनसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। अरे अम्मी आप तो हमेशा भूल ही रही, कोई और अच्छी आसामी ढूंढ ली होगी उन्होंने। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मा? माहम की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। सबा ने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि खुद फोन करके मना कर देती। जिन्होंने रिश्ते की बात चलाई थी उन्हें फोन करके कह दिया। मैं सबा को फोन कोई जरूरत नहीं है, अब क्या हम उनकी मिन्नतें करने बैठ जाएंगे? लेकिन एक बार पूछ तो लेना चाहिए ना। मुझे तो वो लड़की पहले ही पसंद नहीं थी, इतना अरसा बाहर रही है न जाने क्या गुल खिलाती रही होगी। जवान भाई या बेटा ऐसे नहीं छोड़ देता है माँ बहन को। अम्मी अम्मी, हम बिला वजह किसी पे बहतान लगाने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि बहतान हम पे भी लग सकता है? अब क्या कर दिया मैंने? अम्मी आपको माँ के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, वो अच्छी लड़की है। सारा तुम्हें मेरी हर बात पर एतराज क्यों होने लगता है? अब माहम क्या लगती है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम मुझसे लड़ने बैठ गई हो? अम्मी वो मेरी कुछ नहीं लगती, मगर वो बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट? पहले लड़के को पसंद किया और अब इनकार कर दिया, वाह क्या बात है इन माँ बेटी की। मम्मी इनकार की कोई वजह जरूर होगी, उन्होंने ऐसे इनकार नहीं किया होगा। क्या हो सकता है कि गलत फहमी हो गई हो? जरीन के साथ जाओ, जाकर पूछ कर आओ कि क्या एतराज है उन माँ बेटी को। हद होती है खुशफहमी की, माँ बेटी को कोई और मालदार आसामी मिल गई होगी, और क्या वजह होनी है? For God's sake, अम्मी, वो कोई गई गुजरी नहीं है कि उसे आसामी की तलाश हो। प्लीज अम्मी अपनी एक कयास आराई अपनी हद तक महदूद रखिए। देख लेना ऐसी ही कोई बात होगी। अम्मी कभी कभी मुझे आपकी बातों पर बहुत दुख होता है और कभी कभी मुझे आप पर बहुत तरस आता है। तरस? अम्मी मुझे लगता है आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकी ना, इसलिए आपसे दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है। होश में तो हो तुम सारा? अम्मी ये भी तो हो सकता है कि जब हम दूसरों की खुशियां दिल से कबूल करने लगे तो खुदा हमारे से खुशियां हमारे दामन में डाल दे। वलीद, वलीद बेटा एक मिनट, क्या बात है आज सलाम के बगैर ही चल पड़े? सॉरी मामा, वो मुझसे बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे और माहम के दरमियान कोई बात हुई है? नहीं तो
क्यों? कुछ नहीं, तुम जाओ। मगर मामा मुझे बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा, माहम की मामा ने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। मुझे पता था यही होगा। चलता हूँ।